नमो रहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसावनं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे शुद्धस्य सिद्धार्थं संदस्यात प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पुराणं सर्वधर्माणां जयनं चेति शासनं मंगलमय मंगलकर वितराग विज्ञान नमोताय आत्मवे अरहंताज महान इनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेच चापरं अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ओम नमः। ओम विचारना, जो पाठ किया उसी का विचार करो भाई। बस पूज भगवान का अनुसरण क्या है? कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने किया क्या किया, जो अर्थों की भाषा मत बोलो, सर्वनाम की भाषा है, संज्ञाओं पर आओ। वासुदेव भगवान का अनुसरण क्या है? अपने को देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा देखना, अपने को देखना, दोष भी अपने देखना, गुण भी अपने देखना, अपना सर्वस्व अपने में देखना, बाहर अपना कुछ भी नहीं है ऐसा देखना, ये है अनुसरण। उन जैसी दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि, तुम सम ही अंतर्दृष्टि हो, तुम सम ही अंतर्वृत्ति हो, बस यही है। भगवान आत्मा निर्दोष है, आत्मित की दृष्टि होने पर ही बड़े बड़े दोष मिट जाते हैं। आत्मित की दृष्टि बन जाए, संकल्प हो जाए हमें अपना हित करना है, और आत्मदृष्टि हो जाए फिर तो दोषों का अभाव होना ही है। आत्मित की दृष्टि हो तो भी अनेक बड़े बड़े दोषों का अभाव हो जाता है। स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार ये सब भिन्न दिखाई देने लगती है, अचरण दिखाई देने लगती है, बार बार विचार चलने लगता है, अरे इनमें रह करके अपना हित संभव नहीं है। ये तो रहे रम स्वारथ के रस तुष परमारथ के रस रांचो, इनमें रह करके अपना हित संभव नहीं है। चाहे इनकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहो, चाहे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहो, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने से अपना हित संभव तो नहीं होगा। चाहे अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो, चाहे बाल बच्चों की स्त्री पुत्र कुटुम्बादि जिनकी इच्छाएं पूरी करते रहो, इच्छा पूरी तो होती नहीं। इच्छा उनके हृदय में, हम विचार कर रहे थे, ग्रंथ में आया है, प्राय जी मदोन्मत हो जाती है, उनकी तृष्णाएं चिंता अबाधित है, सोचो तृष्णा बढ़ती चली जाती, बड़ी तू चली जाती। इच्छा की पूर्ति जीव को सुख नहीं देती, इच्छा की पूर्ति नवीन इच्छाओं को जन्म देती है। अंतर्दृष्टि, तत्व दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, देखो
देखो कोई बात की कमी नहीं है, सब प्रकार से पूरा है। जिस ज्ञान को तुम चाहते हो बाहर, और बाहर से वो ज्ञान मिलता नहीं, भगवान आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमय है। जिस सुख को अपन चाहते हो और बाहर में सुख मिलता नहीं, भगवान आत्मा स्वभाव से ही सुखमय है। जिस प्रभुता को अपन चाहे, वास्तव में चाहना तो एक ही होता सुख का, लेकिन भेद करके कथन करें, जिस प्रभुता को अपन चाहे तो आत्मिक प्रभुता विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा स्वभाव से प्रभुतामय है। जो चाहते हैं वो वहाँ पहले से ही है, और जिसका अभाव करना चाहते हैं उसका वहाँ पहले से ही अभाव है। भगवान आत्मा में दुख का अभाव है, दुख के कारणों का अभाव है। मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है, मिथ्यास नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, नहीं और हो भी नहीं सकते। क्या वो उपादान शून्य है तो अब करने का कोई विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता। उस आत्म स्वभाव की दृष्टि से करने के विकल्प मिट जाते हैं और आनंद प्रकट हो जाता है। उस आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बिना कर्तृत्व के विकल्प मिटते नहीं और सुखी होता नहीं। पुण्य के उदय में भाई अपने विकल्पों के अनुसार कार्य होते चले जाए, लेकिन विकल्प तो अनंत है ना। प्रत्येक जीव के पास तृष्णा रूपी गड्ढा ऐसा है, आचार्य गुणवद्ध स्वामी कहते हैं, जिसमें विश्व अणु के समान है। और जीव अनंत है इसलिए तृष्णा के गड्ढे कितने हैं, और सामग्री अणु के समान है, किसके हिस्से में कितनी आ है। वह सामग्री प्राप्त करके सुखी होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन सामग्री को छोड़ करके सुख चाहे तो अभी मिल जाएगा। पर जब को अपना बना करके सुखी होना चाहे, अपने अनुकूल बना करके सुखी होना चाहे, अनंत काल में भी सुखी नहीं होगा। और परद्रव्य को परद्रव्य जाने, पंडित टोटरमल जी ने मुर्दे का दृष्टांत दिया है। ये मुर्दा है, जलाने से नहीं जलेगा, उठेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, ये तो अब हमारे किसी काम का नहीं, मिट्टी है, जाओ संस्कार करो इसका। यही विवेक की बात है, बाद बाकी लगे रहो। छह छह महीने ला दे रहे, जंगल में चले गए, चलो यहाँ सब बेकार हैं, ये तो भाई भाई को मरा हुआ कहते, भैया काय को रूठ गए, रूठ गए तुम्हें रूठ गए लगता है, देह में से आत्मा निकल गया। पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमा करके कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता कभी कहीं किंचित मात्र में। और परद्रव्य को पर जान करके अभी सुखी हो जाए, उसमें क्या है, ठीक है, नहीं मानी तो नहीं मानी। परद्रव्य के अपने अनुकूल न परिणमने से, या चेतन परद्रव्य अन्य जीव उनके न मानने से जो दुख दिखाई देता है, वह मनमाने के दुराग्रह का फल है। यह जीव मनमाना क्यों चाहता है, बस इसलिए दुखी होता है। और लगता क्या है, मानता नहीं इसलिए दुख होता है।
मनवाना चाहता। अब उस जैसे किसी जीव की नरक आई बंध रही हो, उसे कहो ये भैया बावार हम परी के छोड़ो, अब कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, आई तो उसकी नरक की बंध रही है या नरक की बंधने वाली है, अब वो सोचो वो कैसे छोड़ पाएगा। इसकी त्रिवंश गति बंध रही हो, उसे कहो मायाचारी छोड़ दो, कैसे छोड़ेगा, अहंकार छोड़ दो, कैसे छोड़ेगा। तो ये समझो कर्म का प्रेरा भवितव्य का प्रेरा उन दुर्भाव रूप परिणाम रहा है, पराधीन है वो उस तरह से। हम कहते हैं छोड़ता नहीं है, सच्ची बात तो ये वो छोड़ सकता नहीं, सच्ची बात ये है छोड़ सकता नहीं। बहुत लोग ऐसे होते धंधे में लगे 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 और खूब पैसा है और नहीं छोड़ रहे, भैया छोड़ो, आओ कैसे छोड़े, क्या करें, और मर जाएंगे उसी में, सांप बन के बैठ जाएंगे। चुप रह जाएंगे, छोड़ो, चुप रह जाने का मतलब क्या, मन तो कह रहा है, बात तो सही है, लेकिन करे क्या। जिसका मोह का तीव्र हृदय में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता, ये बात इसलिए कही है, अभी मंद हृदय है, अभी पुरुषार्थ चला तो चल जाए, और अगर तीव्र हृदय होगा तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मानना चाहो तो नहीं मान पाओगे। क्यों, जीव अपने परिणामों का भी आगे पीछे करने वाला नहीं है, पर द्रव्य के कार्य का कर्ता तो है ही नहीं, लेकिन अपने परिणामों का भी आगे पीछे करता कर नहीं, आगे पीछे करने वाला नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, तो फिर इतना उपदेश काहे को दिया जाता है, इतने ग्रंथ काहे को लिखे हैं, इसका जो होना है सो हो रहा है, होगा। अरे भैया उपदेश भव्य जीवों के लिए है, ताहे सुनो भव्य मंत्र। एक दुकानदार था गांव का, वहां एक अधिकारी आ गया, अच्छा खाने पीने के मन वाला, तो वो दुकानदार और सामान लाए तो दो तीन पीस अच्छे भी ले आए। भैया जी कौन रहेगा यहाँ, अरे है ना उनको लेने वाली, और उसको बुला करके ये भैया तुम्हारे लिए ले आए स्पेशल, स्पेशल तुम्हारे लिए लाए हम, फलों वाले ऐसे ही करते, कोई अच्छा खाने पीने वाला हो और शौक हो उसको तो वो एक आध पेटी ले आएगा, और सुनो बढ़िया पेटी आई तुम्हारे लिए लाए हम स्पेशल, है ना वो शादी। तो उपदेश क्यों करते हो ये मत पूछो, उपदेश होता है करते नहीं है, कोई ज्ञानी उपदेश देते नहीं है, उपदेश होता है, होते हुए को जानते हैं कि करते हैं। जैसे अन्य होते हुए कार्यों को करते नहीं जानते हैं, ऐसे ही उपदेश भी एक कार्य है, होते हुए को जानते हैं। जगत में आसन्न भव्य जीव हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके भाग से ही हो रहा, उनके भाग से ये लिखा जा रहा है। ये काय को लिखी, अरे लिखी नहीं, हम जानते हैं, लिखना नहीं चाहती और बर बस लिख जाता है, कौन के आगे से किन के लिए लिखो, अब यहाँ वालों के लिए नहीं लिखा, वो कहूँ वालों के लिए, जाने कौन सुनेगा और कौन उसका, उसे कौन आएगी लंदन के, बोले हम बिना नागा के प्रवचन सुनते रोज, बिना नागा के,
अब किनके भाग्य से क्या हो रहा है कौन पता है। जो कार्य होता है उसका निमित्त भी होता है, निमित्त होता है तो वो उस प्रकार का कार्य भी होता है। इसलिए इस तरह का प्रश्न तुम्हारा ज्ञान के अधूरेपन का बहुत संकीर्णता का प्रश्न है। तो आचार्यों ने ग्रंथकार को लिखे, तुम्हारा भवितव्य अगर ठीक नहीं है तो ये समझ में, तुम्हें ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। हमने उस दिन सभी दोपहर में कहा था, पानी तो बरसेगा लेकिन कहाँ कितना ठहरेगा, सब जगह बराबर थोड़ी भर जाएगा। ऐसा जितनी गहराई होगी, जितनी नरमाई होगी, सोखने की शक्ति होगी, उतना ही वो पानी सोख पाएगा। भगवान की दिव्य ध्वनि तो खरी, जिसकी जितनी ताकत थी उसमें ग्रहण करी। ऐसे आचार्यों ने ग्रंथ तो लिखे, सबके मेघ समान सवन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। उनको कोई इच्छा नहीं कि जो मान ले कि नहीं माने, जो करना हो तुम्हें करो, तुम्हारी समझ में आए सो करो। इसी को पढ़ करके तुम एक मध्यम मार्ग निकाल लो, समझौता कर लो, समन्वय मार्ग निकाल लो, एकांत निकाल लो इसी में से। अब निकाल लो तो निकाल लो, हम क्या करें। उपदेश दाता का तो कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है, कोई जीव स्वच्छंद हो जाए तो हो जाए, हम क्या करें। बोलो, टोटरामल जी की भाषा बोल सकते हो। अरे वो तो पहले ही स्वच्छंद था, अभिमानी है, मानता नहीं था मैं स्वच्छंद हूँ। वो तो पहले ही स्वच्छंद था, क्यों अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा था। ये परिभाषा समझते ही नहीं लोग स्वच्छंद की, कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना, मनमानी करते रहना, मन के हिसाब, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ये सोचते रहना। अपने हिसाब से वो बने इच्छा को ही अपन समझते हैं, अपनी जो इच्छा हुई सो अपन, जब इच्छा हुई सो करें, जो इच्छा हुई सो करेंगे, जब आना हो तो आएंगे, जब करना हो तो करेंगे, जब सुनना हो तो सुनेंगे, जब ये स्वच्छंद वृत्ति है। ये तो पंडित टोटरमल जी ने कहा वो पहले ही स्वच्छंद था, कोई उपदेश सुनने से स्वच्छंद थोड़ी हो गया। उपदेश सुनने से तो कोई पात्र जीव अपनी स्वच्छंदता मिटा करके जिन आज्ञानुसारी होकर अपना कल्याण कर लेगा, उसके लिए ये बात है। उपदेश देने से स्वच्छंद थोड़ी हो गए, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। अध्यात्म स्वच्छंद पढ़ पढ़ करके लोग स्वच्छंद हो गए, अध्यात्म पढ़ पढ़ करके लोग विवेकी भी हो गए, कम हो गए, ये बात है। लेकिन जो भौतिकता की चकाचौंध में पड़े हैं, जो अध्यात्म बिना, और जो बिना अध्यात्म के ही स्वच्छंद है, उनको क्या कहोगे तुम। जो अध्यात्म सुनने वाले स्वच्छंद हो जाते हैं, ठीक है हम तुम्हारी माने लेते हैं, तो अध्यात्म सुनने वाले कितने हैं, बहुत हुए। और उसके अलावा जो स्वच्छंद है सो बोलो, उनके अलावा जो स्वच्छंद है जी, उनको क्या कहोगे तुम। जैसे बीड़ी पीने वाला सोचता है बीड़ी नहीं पी इसलिए शरीर में दर्द हो गया, पेट साफ नहीं हुआ, तो जो बिना बीड़ी पीने वाले कितने हैं, उनका पेट कैसे साफ होता है। तुम अगर ये आरोपण करते हो, मिथ्यारोपण, कि अध्यात्म सुनने से स्वच्छंद होते हैं, तो अध्यात्म तो बहुत कम सुनते हैं, वे स्वच्छंद क्यों होते हैं। और तो और, अध्यात्म सुनकर के स्वच्छंद हो जाते हैं, ऐसी मान्यता से बहुत जीव अध्यात्म नहीं सुनते और उनका जीवन स्वच्छंद ही होता। ये आरोप कर रहे थे सफेदी में दाग जल्दी दिखाई देता है, ये बात अलग। बाद बाकी तो एक भाई बोले रंगीन कपड़े बनवाती पहनते हम तो, क्यों
मैली कम होती है। हमने झूठ बोलते हो, मैली कम होती है कैसे? मैली कम दिखते हैं, मैली कम कैसे होंगे तुम बताओ? और मैली कम होती है तो मैली कम क्यों होती है ये बता दो तुम। मैली कम दिखाई देती है कि वो मैली ही है, मैले ही है ना। ये अध्यात्म सुनने वाले पढ़ने वाले स्वच्छंद दिखते हैं तो उनकी स्वच्छंदता उस अध्यात्म ज्ञान के आगे सुना ये समझा सुनते हैं। ये नियमसार पढ़ रहे तो वो स्वच्छंदता दिखती है उनकी, बाद बाकी और जीव का संयमित है और जीवों की वृत्तियां क्या पंच इंद्रियां और मन बस में है, वे पंच इंद्रियों के बस और मन के अनुसार नहीं प्रवर्ते, वे भी तो वही काम करते हैं। अच्छा, रात में खाने वाले याद है कि कम? याद है, जैनियों के अलावा सब रात में खाते ही, जैनियों के अलावा सब रात में खाते ही, लेकिन जैनी को ही रात में खाए और यहाँ से बैठने वाला खाएगा तो वो अब उंगली कहेंगे देखो ये सास सुनते हैं और रात में खा रहे और पूजा रोज करेंगे और खाएंगे रात में। जैन कैसे आदमी हो गए? स्वच्छंद हो गए बिल्कुल। तो स्वच्छंद हो गए हैं कि पहले ही थे? पहले रात में नहीं खाते थे। अरे अध्यात्म सुनने से दोष दोष दिखाई देता है, ये बड़ी बात है। अगम के अभ्यास से दोष दोष दिखाई देता है, ये बड़ी बात है। हमसे जो कहे क्या करें, वो कसाएं मिटती नहीं है, कसाएं छूटती नहीं है, तो हम धन्यवाद देते हैं उसी कि कम से कम कसाएं लगनी तो लगी। तो हमने कहा 2 साल पहले का जीवन याद करो, कसाएं नहीं लगती पहले, कसाएं नहीं लगती थी और कोई चौंकता था तो बुरी और लगती। अब कम से कम कसाएं लगने लगी और टोंकना अच्छा लगने लगा, बुरा लगना बंद हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी नहीं। मकान बनाने में नींव खोदते पहले, अब नींव में कितने लग गए पता ही नहीं पड़ो आज का काम भाव। जब जमीन के बराबर हो जाए ऊपर चढ़ने को, आज इतनी दीवार चली गई, आज ये ऐसा हो गया, और जमीन में तो पता ही नहीं पड़ी हो का गो कब आओ काम, कुछ काम हो रहो। लेकिन वो जमीन के भीतर वाला जो काम है वह एक जरूरी काम है। दिखने वाला महल, हाँ पूरा वाक्य बोलो, नहीं दिखने वाली नींव पर ही टिका है, नहीं दिखने वाली नींव पर। दिखने वाली जो क्रियाओं का महल है वो भी न दिखने वाली श्रद्धा की ऊपर टिकेगा। दिखाई नहीं देती तुम्हारी मान्यता क्या है, लेकिन क्रिया दिखाई देती है, लेकिन वो क्रिया को बल कौन दे रहा है? दिखाई देने वाला पेड़ कब है, न दिखाई देने वाली जड़ के ऊपर खड़ा है, नहीं तो अभी ऐसे गिर पाएगा झंझा के झकोरे में, पता नहीं पड़ेगा और उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, जिसको जिसकी नींव मजबूत है। हम अनुसरण करने का मतलब केवल क्रियाओं के अनुसरण को मानते हैं, वचनों के अनुसरण को मानते हैं। अनुसरण करने का मतलब है उन जैसी दृष्टि बन जाए हमारी, उन जैसी दृष्टि बन जाए। फिर याद कर लो, हमें आत्मा अपना दिखने लगे बस सब काम हो गया। आत्मा अपना दिखने लगे, शरीर भिन्न दिखने लगे, शरीर भिन्न दिखेगा ये समझ लो बड़ी तैयारी है समाधि, बड़ी तैयारी है संयम की।
शरीर भिन्न दिखाई दे। पंडित जी ने उनकी प्रशंसा करी है, बनारसी राशि जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत है, धान कोसी छीलक कृपान कैसो ज्ञान है। जिनको शरीर धान के छिलके के समान और तलवार के म्यान के समान दिखाई दे रहा है, हम उसकी वंदना कर रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन है, विष्णु है, कृतार्थ है, पंडित हैं, जो स्वप्न ही सन्नत को मलिन नहीं करते, माने स्वप्न में भी अपने को पूर्ण आत्मा देखते हैं, अनादि अनंत आत्मा ही देखते हैं, शरीर नहीं देखते स्वप्न में भी। शरीर और आत्मा को एक नहीं देखते। दूसरा वाक्य बोलो, दूसरा अधिकार, शरीर और आत्मा में कर्ता कर्म संबंध नहीं देखते, स्वस्वामी संबंध नहीं देखते, भुक्ता भोग्य संबंध नहीं देखते। शरीर को देख देख करके खुश नहीं होते, ये नहीं कहते ये हमारा भोग है। वो बाज कह रहा था ना, ये कबूतर हमारा भोजन है, हैं संतनाथ का जीव मेघनाथ में कि भाव में क्या समझा रहा था, हे कबूतर वाक्य नहीं होता, ये तुम्हारा भोजन नहीं है कबूतर। सोचो तुम्हें केवल एक पक्षी दिखाई देगा, कबूतर का क्या होगा, ये तो तुमने सोच लिया वो बड़े आर ध्यान से मर जाएगा, उसका क्या होगा उसके सोच मत करो, लेकिन कबूतर खाने के जो परिणाम से तुम्हारा क्या होगा इस बात को सोचो। अवश्य भक्षण करने वाले परिणामों की क्रूरता से आत्मघात होता है, ये बड़ा दोष है। उस अवक्ष भक्षण में अनंत जीवों का घात होता है, ये भी दोष है, ये व्यवहार नय का कथन है, पराश्रित तो व्यवहार है। लेकिन बड़ा दोष क्या है, आसक्ति की विशेषता से संकृष्टता विशेष होती है, रौद्र ध्यान होता है, मजा आ गया उल फिर रहे मुफत में। पूर्ण के उदय में प्राय जीव उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। पूर्ण के उदय में जीव उन्मत्त हो जाते हैं, का कर रहे, सड़क पर नच रहे और खुद ही पैसा लुटा रहे, न करने योग्य कार्य करने लगते हैं। पुण्य के उदय में उन्मत्त हो जाते हैं, अरे बढ़िया लाओ, बस समझ लिया उसने बुद्धू है जे आदमी, और बढ़िया दिखाओ, समझ गया बिल्कुल बुद्धू है, और उसी में से उसने कर करा के ठग जाया, और वो सोचता है बढ़िया दे आए, वहां बहुत बढ़िया मिलता है, माल वो ही है भैया, बढ़िया कहां से आएगा। माल वो ही है, तुझे लगने लगा बढ़िया, पैसा चल चले गए तो बढ़िया लगा लगो। इष्ट और अनिष्ट की तो तेरी कल्पना है, वस्तु थोड़ी इष्ट अनिष्ट है, सुंदर असुंदर थोड़ी है वस्तु। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, पुण्य के उदय की बात है, पाप के उदय में चिल्लाता है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बचाओ बचाओ, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, फलाने कहाँ है, उधर नम लेता है, लेकिन पाप के उदय में तो उन्मत्त हो जाता है। पुण्य के उदय में उन्मत्त वचिष्ठता, अनुसरण करने करना है तो काय का अनुसरण करना है, दृष्टि का अनुसरण करना, जैसा भी मानते हैं वैसा अपन को मानना, भी आत्मा मानते हैं और जो अपने को शरीर मानता है उसने अनुसरण कहाँ किया, आज्ञा कहाँ मानी, विरोध किया उसने तो, विरुद्ध माना, देह को अपना मानने वाला जीव
जिनेन्द्र जीव का भक्त नहीं हो सकता। और जिनेन्द्र जीव का भक्त शरीर को अपना नहीं मानेगा तो फिर शरीर के लिए अवक्ष भक्षण नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, अनिति नहीं करेगा। शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र कुटुम्बादिकों के मोह में नहीं मरता रहेगा, अपना हित करने के लिए तैयार है। बताओ वज्रबाहु ने क्या देखा और क्या सोचा कि क्षण मात्र में वो दीक्षा लेकर के चले गए? दो दिन पहले पढ़ा था तुम, बताओ क्या देखा? धन्य है ये, हम कहाँ पढ़े? सुख तो ये है, हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? ज्ञान तो इसका नाम है, ज्ञान का फल तो ये है। हमें तो ज्ञान का मज है, ज्ञान का है का? ज्ञान तो इसको, ज्ञान का तो ये फल है। ही का परिहार उपाधि का ग्रहण, ये ज्ञान का फल उत्कृष्ट फल है। अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की तो निवृत्ति और ही का परिहार उपाधि का ग्रहण, ये ज्ञान का फल है। ये मुनीश्वर धनी है, क्या देखा क्या और अनुसरण कर गए, हो गए मुनीश्वर। तुम्हें लगता है कपड़े उतारे और सबको छोड़ छाड़ दिया रोते पीटे, और वो मनोदया ने वियारी का दीक्षा ले ली, वो सब ये तो तुम्हें बाहर का दिखा, लेकिन भीतर में क्या देखा? ये हो कैसे गया कि अपना सुख उन्होंने अपने में देखा, मेरा सुख मेरी पूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। ये स्त्री पुत्र कुटुंब भोग पंचेंद्री के इनमें किसी बात किसी अवस्था में नहीं है, विरक्त हो गए, यहाँ रत हो गए। वासुपुज स्वामी का अनुसरण करें तो अनुसरण करें माने अपने को अनादि निरंजन ज्ञायक माने, आनंद अपना अपने में देखें, बाहर में नहीं। देह और आत्मा को कभी एक नहीं समझे, एक नहीं समझे, स्वप्न में भी दो दो हैं, एक नहीं, दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते, एक के दो खंड नहीं होते। परस्पर में कोई प्रकार के संबंधों की कल्पनाएं छोड़ दें, कर्ता कर्म संबंध हो चाहे भोक्ता भोग संबंध हो चाहे है भोक्ता भोग का बीज बीजक का, वो भी कह देते हैं नहीं, बीज बीजक संबंध भोक्ता भोग संबंध है, हाँ तो भोक्ता भोगी भी अभिन्न होते, यही तो हम कह रहे, बीज बीजक भी कह देते हैं, भोक्ता भोगी भी कह देते हैं, उसे नहीं दिखाई देता भिन्न द्रव्यों में कुछ संबंध। ये तो धर्मशास्त्र है, नीति में लिखा भोगा न भुक्ता बैमी भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों को हमने भोग दिया। भोगा न भुक्ता बैमी भुक्ता, ए 9 बजे तैयार मिलना, तुम्हें नहीं बांधा हम बन गए, हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए तो मुंडा समय नहीं दी थी, वो समय ध्यान में उपयोग लग रहा हो तो कौन अंतराय करेगा जी, बता उस समय। हम तुमसे कहें 12 बजे प्रवचन होगा तो 12 बजे ध्यान में उपयोग लग गया तो प्रवचन कौन करेगा? होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं है, निश्चित ये है ध्यान से उपयोग चित होगा तब होगा। ये निश्चित है, हम कहाँ होंगे, ये
हमें पता नहीं है लेकिन हम अपने में होंगे ये हमें पता है। एक बल्ब की फैक्ट्री में बल्ब बन रहा है, अब आजकल तो बल्ब ये दीपक का जमाना ही चला गया, अब ये बल्ब कहाँ लगेगा? ये फैक्ट्री में जो बल्ब बन रहा है वो बल्ब कहाँ लगेगा? वो तुम्हारे घर पर कि मंदिर पर कि किसी पंडाल में कि किसी धर्मशाला में, हमें नहीं मालूम, लेकिन जहाँ लगेगा वहाँ प्रकाश करेगा जी हमें मालूम है। इस कोयले को कौन उठाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो उठाएगा वो काला होगा। इस परद्रव्य को कौन अपना मानेगा? कि कोई बहिरात्मा होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, वो परद्रव्य को अपना मानेगा, लेकिन जो मानेगा वो दुखी होगा। कोई बहिरात्मा होगा दुखी होगा। प्रवचन सार जी में बहुत सुंदर चर्चा है, दुख ही परावलंबन करता है, दुखी ही पर का अवलंबन ढूंढता है, पर का अवलंबन देखता है। सहारा कौन चाहता है? कमजोर। उस दिन मुंडाज के दस्तान से कहा था ना, मुंडा से पूछा राजा ने, महाराज आपका खजाना कि हम दरिद्र थोड़े ही हैं, महाराज आपके सेवक कि हम परमाजी थोड़े ही हैं, महाराज आपकी सेना कि हमारे शत्रु नहीं है कोई। तो फिर कैसे राजा हो महाराज हो? कि हम सदैव निश्चिंत हैं, प्रसन्न हैं। ये तो मोहियों की कल्पना है, मोहियों की कल्पना है। ये बनिए है ना, बनिए ऐसी गणित लगाती है, इनकी गणित सबके आगे सबरी गणित सही है। कहा 50 रुपया वारो और 150 को बिखेरो, माल उड़ रहे, माल उड़ रहे, खूब कमाई हो रही है, लेकिन कितने बिक रहे हैं, कितनी पूंजी लगी है उसमें, कितना किराया जा रहा है, कितना ब्याज जा रहा है, और कितने अपन चंदा जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो गणित का छू नहीं था रहे बस। इन जीवों को दूसरे जीव सुखी दिखाई देते हैं और अपन दुखी दिखाई देता है, और ज्ञानियों को अपन सुखी दिखाई देता है और पर जगत के जीव दुखी दिखाई देते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा, इन्हें बाहर में दुख दिखाई देता है, भीतर में सुख दिखाई देता है, इनको भीतर में सुख दिखाई देता है, बाहर में दुख दिखाई देता है। ज्ञानियों की वृत्ति अलग है, इन्हें भीतर सुख दिखाई देता है और बाहर दुख दिखाई देता है, और अज्ञानियों को बाहर सुख दिखाई देता है और भीतर दुख दिखाई देता है। ओ गाड़ी में घूम रहा है क्या मार ठार है, बस कितनी घुटन है ये पतो नहीं है, है? इनमें जी साहब आए साहब लोगों को, इनको बस कुछ काम तो है नहीं, बस आए हो चले आए अपने, और एक छाता लगाए ऊपर, एक छाता और लगाए, साहब को धूप न लग गया, और बेचारे मजदूर धूप में काम कर रहे, बेचारे मजदूर, अरे अज्ञानी हैं, अज्ञान के फल में भी मजदूरी कर रहे हैं, और उनकी मेहनत तो तुम्हें दिखाई दे रही है और साहब की मेहनत नहीं दिखाई दे रही। कितना माने उन्होंने नक्शा खींचा है, उसकी एक एक पर कितना दिमाग लगाया है, कितनी पुस्तकें पढ़ती हैं, कितनी पढ़ाई करी है, उसका उपयोग किया, वह कछु नहीं दिखाई दी। मैंने साहब मिल रही 50,000 रुपया, 2 लाख मिल रहे, बस वो दिखाई दे, और मजदूर बेचारो
है, बाहर वाले जीव सुखी दिखाई देते हैं। इसीलिए ग्रंथकार ने क्या कहा, जिन्हें तुम सुखी मानते हो उन्हीं से पूछ ले तुम सुखी हो के नहीं, जिन्हें मानता सुख निधान तू पूछ उन्हीं से मन की बात, उनसे ही पूछ ले, उत्तर मिल जाएगा। तो मतलब ये है जिसे दुखी मानता है वह भी दुखी और जिसे सुखी मानता है वह भी दुखी। सुखी तो सुखिया तो भैया वे ही है, सुखिया सजीव ऐसे जीव समकती है। कौन दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सजीव ऐसे जीव समकती है। नकल बिना नकल करना अपराध है कि नहीं, नकलों को अजहन चढ़ा देगी, लेकिन नकल बिना क्या हो सकता है बताओ। अंतर ये है, विद्यार्थी को नकल करने की छूट है लेकिन परीक्षार्थी को नकल करना दंड है। क्यों, चाहे कहीं से पढ़ के आओ, चाहे किसी को देख कर, चाहे किसी से होगा करो नकल। नकल करना भीतर से करना, बाहर से नहीं, केवल अनुसरण करना वासुदेव स्वामी का, लेकिन भीतर से करना बाहर मात्र से नहीं। बाहर से करने में तो भैया 4000 राजा ऋषभ देव के साथ गए थे, कहाँ टिक पाए, कहाँ टिक पाए। जो बाहर से कर देगा उसकी ईंटें खड़ी कर देगा, उसकी दीवार एक आंधी में नहीं टिकेगी, और जो भीतर से लेकर के आएगा उसकी 10 आदमियां कुछ नहीं बिगड़ेंगी। पूज्य पाठ स्वामी कहते भीता अभ्यास से तो निवृत्ति, भेद के अभ्यास से निवृत्ति होती है। उस भेद का स्वरूप बताना, जैसे घने वस्त्र से मोटे वस्त्र से कोई मोटा नहीं हो जाता, उसी प्रकार मोटे शरीर से कोई आत्मा मोटा नहीं हो गया। घने वस्त्र, घने वस्त्र यथात्मानम न घनम मन्यते तथा घने स्वदेहे आत्मानम न घनम मन्यते बुद्ध। उसी प्रकार बुद्ध जो, बुद्ध माने ज्ञानी धर्मात्मा, घने शरीर होने से, सघन शरीर होने से, मोटा शरीर होने से आत्मा को मोटा नहीं देखते। क्या मतलब, बोलना उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप, अब हम मोटे हो गए, अब हम कमजोर हो गए, ऐसी अनुभूतियां नहीं किया करते। ऐसी अनुभूतियां, ऐसी विपरीत परिणति उन ज्ञानियों के नहीं होती। ज्ञानी तो पहले भी हम शरीर से भिन्न थे और अब भी हम शरीर से भिन्न। क्यों, पहले वजन कितना था तो 50 किलो, अब कितना है तो 55 किलो, 52 किलो। अरे झूठी बात, पहले भी हम में वजन नहीं था, आज भी हम में वजन नहीं। पहले भी मेरा वजन नहीं था ये 50 किलो, आज भी मेरा वजन नहीं है 52 किलो, 55 किलो। मैं तो पहले भी निर्भर था, आज भी निर्भर। अमूर्त एक प्रदेशों का पुंज, पहले भी था। पहले तुम्हारा कितना आकार था जब जन्मे थे, इतना था, अब कितना आकार हो गया। लेकिन पहले भी यह आकार मेरा नहीं था और अब भी यह आकार मेरा नहीं है। मैं तो अमूर्त प्रदेशों का पुंज,
ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन भेदा अभ्यास है। अभ्यास माने एक सूत्र के 20-20 50-50 प्रश्न दे दीजिए, उनका अभ्यास करो, चलो करो अभ्यास। ऐसे इस देह और आत्मा की भिन्नता के कितना अभ्यास करना है। जब तक देह में जुड़ी हुई जो परिणति है, राग है, वह उधर से टूटने न लगे, छीन न होने लगे, जब तक ये शरीर जले तो ऐसा नहीं लगे कि मैं नहीं जल रहा, शरीर जले तो ये लगे मैं नहीं जल रहा, तब तक ये अभ्यास बराबर चलते रहना चाहिए। घने वस्त्र यथात्मानम, घना वस्त्र होने पर जैसे शरीर को एकत्र बुद्धि वाला जीव भी मैं घना हूँ मैं मोटा हूँ ऐसा नहीं मानता, ऐसे ही शरीर की अवस्था से अपने को भिन्न जानने वाला ज्ञानी वह शरीर की अवस्था रूप अपने को नहीं मानता। पंडित टूटरमल जी ने कैसे लिखा, इन्हीं श्लोकों के आधार से समझ लेना। जैसे वस्त्र भिन्न है और शरीर भिन्न है, ऐसे ही शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। यहाँ थोड़े भीतर घुसो, धूप में खड़े हुए व्यक्ति को, बरामदा में खड़े हुए व्यक्ति को, धूप में खड़े वाले को कहते बरामदा में आए, और जो बरामदा अभी भीतर आया, पहले कहा वस्त्र भिन्न है और शरीर भिन्न है, क्यों? वो तो तुम्हें भी दिखता है, बस उतार देते हो, शरीर तो उतार नहीं पाते। वस्त्र भिन्न है और शरीर भिन्न ये समझ में आता है, तो इसी प्रकार शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न ये समझो, क्यों? शरीर यही रह जाता है और आत्मा निकल जाता है। भेदाभ्यास माने इसके कितने अब स्वाध्याय करती रहोगे, भेदाभ्यास ही तो निवृत्ति, और जितने जितना भेदाभ्यास होगा उतनी ही तुम्हारी निवृत्ति होती आएगी। जंग विज्ञान घन होता जाता है क्यों, तो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। विचारना जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निर अक्षर मयमय अनूप दश अष्ट महाभाषा समी लघु भाषा सात शतक यादवाद मय सप्त भंग घर घर गूंजे बार रवि सच नरे सो तम हराय सो सात न बहु प्रीति लाय। कल प्रातः 8 बजे मंदिर जी में